स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के लिए तिरंगा ड्रेस, क्योंकि अब की बार जो हमारी जन्माष्टमी पड़ रही है वो हमारी 15 अगस्त वाले दिन पड़ रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इसको अब हम हर वर्ष आजादी दिवस के रूप में मनाते हैं। चूंकि अब की बार हमारे जन्माष्टमी भी 15 अगस्त को ही पड़ रही है, तो अब हम कान्हा जी के साथ अपना आजादी का दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए मैं कान्हा जी के लिए आपकी उनकी फेवरेट ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जो कि 3 रंगों का हमारा तिरंगा होता है और जिसके लिए मैंने मैचिंग करती हुई लेस यूज की है। और ये जो ड्रेस बनाने जा रही हूँ हमारे 1, 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप 0 साइज के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं तिरंगे वाली, तो आपको ये लेस हटानी पड़ेगी और आपको जो हमारा बुकरम जो हमने कट किया है वो भी छोटा रखना पड़ेगा और उसकी जगह आप यहाँ पे इस तरह की लेस का यूज करेंगे। ये मैंने कान्हा जी की तिरंगा ड्रेस के लिए 3 मैंने कलर के रिबन लिए हैं, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और रिबन की जो मैंने लंबाई रखी है वो रखी है मैंने 28 सेंटीमीटर, तीनों रिबन की 28 सेंटीमीटर रखी है। और इतनी ही रखी है मैंने जो हमने लेस यूज कर रहे हैं उसकी भी मैंने 28 सेंटीमीटर यूज की है। और इसकी चौड़ाई आप अपने तीनों कलर्स के जो हमारे तीनों कलर्स को रखने के बाद इसको हम लंबाई नापेंगे इसकी। और इसकी लंबाई टोटल 4.5 सेंटीमीटर से थोड़ी फालतू है। और आप जो भी कोई लेस यूज करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी बुकरम को कट करेंगे। और इस पर अब हम सबसे पहले इनको अटैच करेंगे। अटैच हम बिल्कुल सीधा करेंगे, आप चाहे तो पहले इन पे थोड़ा फेविकॉल लगा के इनको चिपका सकते हैं, लेकिन हमें सिलाई जरूर लगानी है, क्योंकि फेविकॉल कई बार जब हम ड्रेस को धुलते हैं तो वो फेविकॉल हट जाता है। तो हम पहले फेविकॉल के साथ अटैच करेंगे, फिर उसके बाद इस पे सिलाई से इसको बिल्कुल पक्का सिल लेंगे। और कान्हा जी की ड्रेस के लिए चोली वाले पार्ट के लिए मैंने ये 9 सेंटीमीटर लेस ली है और इसको हम बीच से हाफ करके कान्हा जी की चोली में यूज करेंगे इसको। और इसको अब हम साइड में रख देते हैं। पहले हम ये जो हमारी स्ट्रिप्स है इनको हम मिला लेते हैं। पहले हम इनको फेविकॉल से चिपकाएंगे। इस तरह हम फेविकॉल लगाने के बाद इसको अटैच करेंगे बिल्कुल सीधा। वक्त हम बिल्कुल भी इनके बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो जब हम लेस पे सिलाई करेंगे इसकी, तो ये दोनों के ऊपर सिलाई इनकी बराबर आनी चाहिए। अब इसको फेविकॉल से चिपकाने के बाद अब इसको मैं 10 से 5 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ूंगी, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तक हमारी ये फ्रिल पट्टी सूख के तैयार होती है, तब तक मैं कान्हा जी की ड्रेस की जो चोली है उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो इस पे मैं कटिंग करने से पहले जो 9 सेंटीमीटर मैंने इसको कट किया है, साड़ी पे चारों तरफ को मैं लगा लेती हूँ इस पे लेस। हम 4.5 इंच का हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद अब जो एक पार्ट को हम रखेंगे सामने की तरफ, जो कि हमारे सामने वाली चोली का पार्ट आएगा, और जब हम इसको यहाँ से सिलेंगे तो लगभग 1.5 या 1.25 सेंटीमीटर इसको हम यहाँ पे फर्स्ट भाग पे सिल लेंगे। इस तरह हम इसको लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक इसको हम सिल लेंगे। यहाँ तक सिलना है इसको, 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं सिलेंगे इसको। फिर हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब हम जो चोली का पिछले वाला पार्ट है उसको हम कुछ इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से ये जो पार्ट है ये इस तरफ आना चाहिए और ये पार्ट इस तरफ आना चाहिए। तो सिलते हैं हमेशा इसको हम इस तरह से सिलेंगे। चोली को इस तरह से सिलने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। अगर आप कान्हा जी के लिए अलग से चोली बनाना चाहते हैं तो इस चोली को भी आप कान्हा जी के लिए यूज कर सकते हैं। और ये चोली बनके एकदम परफेक्टली रेडी है। बस इस पे हम एक नीचे की तरफ यहाँ पे हम लेस यूज करके हम इसको अलग से भी यूज कर सकते हैं। कान्हा जी की चोली बनके रेडी हो गई है और अब हम हमारी ये जो पट्टी हमने फेविकॉल से चिपकाई थी वो भी हमारी रेडी हो गई है। अब इस पे हम जो सिलाई लगाएंगे वो कुछ इस तरह से लगाएंगे कि जो हमारी लेस है, इसमें हम व्हाइट लेस यूज कर रहे हैं, तो व्हाइट लेस को हम दोनों इनके बीच में रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे, तो ये दोनों एकदम अटैच हो जाएंगे।
ये मैंने चारों तरफ को अब इसको सिल के पक्का कर लिया है। और अब हम जो इसकी फ्रिल तैयार करेंगे, तो फ्रिल तैयार करने से पहले अब हम ये देखेंगे जो हमने चोली तैयार की थी, चोली तैयार करने का 2.25 इधर और ये टोटल 5 सेंटीमीटर हमने इसकी फ्रिल को रखना है। तो अब इसमें हम जो चुन्नटें भरेंगे वो इस हिसाब से भरेंगे कि हमारा जो चोली वाला पार्ट है वो केवल 5 सेंटीमीटर रह जाए। तो हम जब चुन्नटों को मोड़ेंगे तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर का हमने इनको इस तरह से मोड़ के रखना है, ताकि जब हमारा पूरा ये फ्रिल बनके तैयार हो जाए तो ये टोटल 5 सेंटीमीटर हो। 5 सेंटीमीटर से अगर फालतू रहेगी तो हमारी चोली बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ पाएगी, ठाकुर जी की जो चोली है। तो उसको हम इस तरह से फ्रिल को तैयार करेंगे। सेंटीमीटर फ्रिल को मोड़ लिया है और ये इस तरह से इसको कर लिया है। और अब इसको मैं इजीली इस पे सिलाई लगाती जाऊंगी, इसको इजीली बहुत आराम से, और बिल्कुल हमारी फ्रिल बराबर रहनी चाहिए। इस तरह से हम इस पे फ्रिल को अटैच कर लेंगे। इस तरह ड्रेस को हम सेट कर लेंगे। हमारी फ्रिल बनके रेडी हो चुकी है और अब हम इस पे चोली को अटैच कर लेंगे। चोली को अटैच करने से पहले हमारा जो ये बैक वाला पार्ट है इस पे हम लेस लगा के इसको सेट करेंगे। इसको पहले अभी हम इसको सिलाई करेंगे इस पे। दोनों पार्ट्स पे हम इस तरह को लेस लगा के इसको सेट कर देंगे, को अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, क्योंकि हमने इसका नाप पहले ही ले लिया है तो ये एकदम से सेट बैठेगी। कान्हा जी की ब्यूटीफुल ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। ये ड्रेस आपको कैसी लगी? अपने लाइक कमेंट्स जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।